ढाबा स्टाइल ग्रीन चटनी, टेस्टी डिलिशियस हेल्दी चटनी टू गो विद एनी स्नैक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख रहे हैं फिट फूड फ्लेवर्स। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें आधा चाहिए आलू, आधा अनियन, आधा टमाटर, फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया, चिली टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए दही के, 1.5 यानी 1.5 चम्मच मिंट पाउडर के, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो 4 स्प्रिग्स ले सकते हैं, साथ ही गार्लिक और जिंजर। तो सबसे पहले हम अपने इन इंग्रेडिएंट्स को रफली चॉप करके एक ग्राइंडर के अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी हेल्दी होती हैं, स्पेशली ग्रीन चटनी है तो ग्रीन कलर की जो भी होती हैं चीज़ें वो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अगर मिलाकर देखें तो आपकी ब्रेन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। दे विल हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन। एक अच्छी रेसिपी है अपने डाइट में इंक्लूड करने में। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप इस चटनी को स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चिल्ले के साथ इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे अपने सैलड्स के अंदर एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम सैलड खाते हैं हमें बड़ा फीका फीका लगता है, वी फाइंड इट वेरी ब्लैंड एंड नॉट वेरी टेस्टी। तो ऐसी अगर आपके पास कोई चटनी होगी तो उस सैलड का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं, इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही डिलीशियस है। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स और अपना फीडबैक हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज़ फूड फिटनेस एंड फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टिल ट्राई टू स्टे एट होम। And I'll be back very soon with another quick and healthy recipe. Bye-bye.